दोनों हाथों को साइड में रखा, लंबी गहरी सांस लिया और फिर धीरे से अपने हिप्स को उठाने की कोशिश करते हुए अपने पैर को भी उठाया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम शर्मा, प्रोफेशनल योगा टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ जीवन योगा शुरू की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो ब्रह्मचर्य आसना या फिर एल-सिट पोस्चर का अभ्यास करते होंगे, और अगर आप पहली बार इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले या फिर आप करने वाले इस आसन का अभ्यास, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी सारे ऐसे डीप में नॉलेज मिलेगी कि अगर आपके पास आर्म स्ट्रेंथ नहीं है या फिर आपकी कोर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है और आपकी क्वाड्रेसिव मसल या फिर हैमस्ट्रिंग मसल में काफी ज्यादा स्ट्रेच आता है और आपके पैर हवा में लिफ्ट नहीं हो पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो दोस्तों, जब भी आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो एकदम स्टेबल तो होना ही चाहिए, लेकिन जैसे आप अपनी बॉडी को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो पाँव है आगे वाला वो इतना उठ ही नहीं पा रहा होगा। आप देखिएगा, आप जब ट्राई करेंगे तो एक पैर तो आ जाएगा लेकिन जो ऊपर दूसरा वाला लेग है वो नहीं आने वाला। उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर टाइमिंग, आपकी किस तरीके से आप लिफ्ट कर रहे हो। दूसरा, आपकी जो एनर्जी है यानी कि जो पावर है आपकी मसल्स की, आपकी कोर की, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपकी क्वाड्रिसेप्स, काफ मसल्स या फिर पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम, तो उसकी वजह से ही आप अपने पाँव को लिफ्ट करा पाओगे। अब चलिए मैं आपको दिखा, आप क्या करेंगे एवरीवन, दोनों हाथों को साइड में रखा, लंबी गहरी सांस लिया और फिर धीरे से अपने हिप्स को उठाने की कोशिश करते हुए अपने पैर को भी उठाएं। धीरे से वापस। तो अगर आप भी इस तरीके से हवा में लिफ्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ, आपकी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स मसल्स की स्ट्रेंथिंग पे फोकस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी रिस्ट स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ाने वाले, जैसे कि आपको पता है कि आपकी रिस्ट बहुत मजबूत होगी, कलाई बड़ी मजबूत होगी तो आप अपने आप को देर तक रोक पाएंगे एक आसन की स्थिति में। ब्रह्मचर्य आसन में आपने करना कि अपने रिस्ट में यानी कि आपकी कार्पल बोन्स यानी कि 8 कार्पल बोन्स और जो इसके आसपास की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करने आए, और साथ में आपकी फोरआर्म मसल्स के लिए। तो दोनों हाथ सामने रखेंगे और इस तरीके से क्लोज करेंगे और फिर इसको स्पीड में आपने प्रैक्टिस करना है। देखिए इस तरीके से एकदम तेजी से करना है और सामने ले जाओगे, पूरा बॉडी को स्ट्रेट करोगे, स्पाइन सीधा रहेगा, हंस नहीं बनाना है बैक में, और एकदम स्पीड में करो, जस्ट ट्राई टू डू इट फास्टर स्पीड में एकदम। देखिए इसको कम से कम आपने 30 टाइम्स करना है, और अगर आपको पेन होता है तो जल्दी भी आ सकते हैं। फिर इसी को आपने रिलैक्स करने के लिए अपने हाथों को या फिर इस तरीके से या फिर ऐसे भी रिलैक्स कर सकते हैं। अब आपने दोनों हाथ सामने ले जाना है उल्टा इस तरीके से, और फिर अपने रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग करेंगे और इस तरीके से आपने फिर से स्पीड में फील करना है। दोस्तों, अब आपने क्या करना है, अपनी कोर के लिए और अपनी आर्म्स के लिए ही प्रॉपर एक टेक्निक है जो आपकी स्ट्रेंथनिंग करेगी। सबसे पहले तो आपने एक चेयर लेना है और फिर इस चेयर के साथ आपने किस तरीके से टेक्निक को परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने दोनों हाथों को साइड में रखना है इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से आपने ट्राई करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्लिक मसल्स यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं और अपनी रेक्टस एब्डोमिनस को भी। इसको ट्राई करके देखिए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, अब आपके शोल्डर मसल्स यानी कि आपकी डेल्टॉइड, आपकी बैक साइड में ट्रैपेजियस मसल्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे और साथ में आपका प्लैटिसम मसल्स की। तो राइट हैंड साइड में प्लेस किया, लेफ्ट हैंड इधर प्लेस कर रहे हैं, लंबी गहरी सांस लेंगे फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए एक्सहेल डाउन इनहेल अप। फिर आपने रिलैक्स करना है, इसको कम से कम आप 20 से 30 बार कर सकते हैं या फिर स्टार्टिंग में 15 से 20 सेकंड भी आप कर सकते हैं, काफी अच्छे से आपकी स्ट्रेंथनिंग होने वाली है। अब आपकी जो एक मसल है हमारे इस साइड में, राइट और लेफ्ट साइड में हमारी लंबर स्पाइन के, जो कि आपकी है लैटिसिमस डॉर्सी मसल। अब इस मसल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आपने क्या करना है, आपकी थोड़ी स्पाइन की ट्विस्टिंग भी होगी तो आपके लिए काफी बेस्ट है ये। देखिए
दोनों हाथों को इस तरीके से अपने मैट पर रखें, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर अपने एक पैर को बाहर निकालते हुए इस पैर को साइड में ले जाना, ऐसे वन, फिर दूसरी साइड से भी टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11. तो बहुत अच्छे से आपको स्ट्रेच आएगा, काफी सारी मसल्स में आने वाला है वैसे तो प्रैक्टिस करने के लिए एकदम आराम से और स्टेप्स को धीरे धीरे फॉलो करिए और फिर इसको स्पीड में आप कर सकते हैं। दोस्तों एक और ऐसी टेक्निक है जिसका अभ्यास करते ही आपको काफी अच्छा और मजबूती फील होगी। तो कैसे आपने कर रहे हैं, दोनों हैंडल को भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं या फिर नीचे भी पकड़ सकते हैं अपने चेयर को। फिर आपने अपने इनहेल लेकर सांस भरते हुए अपने पांव को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिप्स को भी देखिए इस तरीके से या फिर अपने हैंडल्स को होल्ड करके। ये याद रखिए अगर आप प्लास्टिक चेयर का यूज करते हैं तो ये काफी मजबूत होनी चाहिए। अगर आप बहुत लाइक आपका शरीर अगर हैवी है, वेट ज्यादा है, तो आप नहीं भी करें प्लास्टिक चेयर के साथ, आप वुडन चेयर के साथ कर सकते हैं। तो आराम से करना, बाकी जो चेयर है वो आपके पीछे दीवार से टच होनी चाहिए और प्रॉपरली आपने इसको फिक्स करना है। लंबी गहरी सांस लिया और फिर धीरे से अपने बटेक और फिर पैरों को ऊपर की तरफ इस तरीके से, फिर से देखिए इन्हें लिया, धीरे से वापस आ गए। तो इस तरीके से भी आप अभ्यास कर सकते हैं अपनी थाइस मसल्स का और अपनी हैमस्ट्रिंग मसल्स का, काफी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं। अब जो आपकी क्वाड्रेसिप मसल है या फिर आपकी इलैकर स्वास मेजर मसल है, उनको स्ट्रेच करने के लिए आपने अपने पाँव को इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे और फिर जो नीचे वाला पाँव होगा इसको इस तरीके से पीछे रखना है, ऊपर वाला पैर का नी बेंड करके इस तरीके से आपने अपनी कमर को नीचे की तरफ ले जाना है। जो आपकी मसल है क्वाड्रेसिप की उसमें काफी ज्यादा आपको स्ट्रेच आएगा। ये टेक्निक भी आप कम से कम 30 टाइम्स तो करेंगे ही। आप में से काफी सारे लोग ऐसे गलती करते हैं, वो अपने बॉडी को या फिर अपने कमर को बेंड ही नहीं करते और ऐसे डायरेक्टली ऐसे रुक जाते हैं, बट आपने नीचे तक जाना है। फिर धीरे से रिलैक्स करके फिर दूसरी साइड से आप ट्राई करना और एकदम आसानी से आप अपनी हैमस्ट्रिंग की या फिर क्वाड्रेसिप मसल को स्ट्रेच करने के लिए इन टेक्निक का अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक टेक्निक भी बताता हूँ, अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ काफी कम है लेकिन आपको चाहिए कि आप एकदम इस आसन को और भी अच्छे से रोकने की कोशिश करो, आपकी आर्म्स भी डेवलप हो जाए आर्म स्ट्रेंथ, तो अब आपने करना कि एक टेक्निक का फॉलो करना है जो कि सबसे बेहतरीन है। तो आप करोगे क्या, इस तरीके से अपनी मैट पर बैठ जाएंगे और आपका जो फिंगर टिप्स है यानी कि इस तरीके से आपने फिंगर इंडेक्स और आपका मिडल फिंगर को आपने करना कि आउटसाइड रखने और जो आपका हील है इसके पीछे इस तरीके से प्लेस कर देंगे और जो आपकी एल्बोस है ये वाली एल्बो इसको थाई से आपने क्या कर कंप्रेस कर देना इस तरीके से, अपने दोनों थाईस को अपने एल्बो के साथ इस तरीके से मिलाना है और एकदम कंप्रेस कर देना है। चलिए अब आप क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर अपने एक पैर को दूसरे पैर को बाहर निकालेंगे और फिर स्लोली आप अपने लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने अपना ब्रह्मचर्य या फिर आपका एल सिट पोस्चर सीखने के लिए जिस पार्ट पर यानी कि जो भी मसल्स आपके वीक हैं उन पे कैसे वर्क करना है और अगर आपका आसन नहीं होता है तो कौन से ऐसे रीजन है कारण है उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप भविष्य में जो भी आसन ट्राई करेंगे आर्म स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग वो जरूर कर पाएंगे क्योंकि आपका जो फोकस है वो आपकी बॉडी पे ना कि आसन पे है। और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं जीवन रेगुलेशन चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट देता रहूं, साथ में आपकी नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आप भी आसानी से हमारे वीडियो तक पहुंच सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें क्योंकि वहां पर भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी जो कि आपके लिए काफी किफायती या फिर बेनिफिशियल भी रहती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि एकदम लाइव ऑनलाइन माध्यम से सीखना चाहते हैं हमारे साथ यानी कि जीवन योगा स्टूडियो की कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आप आसन या फिर प्राणायाम या मुद्रास या बंदास या फिर आपका फेस योगा क्लासेस या मेडिटेशन प्रॉपर सीखना चाहते हैं या फिर अगर आपको अपना वेट लॉस करना है
तो ज़रूर आप इसके लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपने मेंशन कर दिया है या फिर हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लाइक करेगा इस वीडियो को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।